आगरा के फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र स्थित कागा रोल के किदवई इंटर कॉलेज में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की संख्या में लोग रक्षा मंत्री को सुनने पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री ने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवाई, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। 25 जून 1975 में लगाए गए इमरजेंसी की कांग्रेस को याद दिलाई और उस दौर को लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर और तमाम भाजपा विधायक मौजूद रहे। आगरा पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जनसंपर्क अभियान के तहत मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कागर रोल में एक सभा को संबोधित किया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा के दे रहा हूँ। पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित किया है। 2024 को लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई, वहीं मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यहाँ पर लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियाँ भी यहाँ पर बताई। वहीं आपको बताना चल रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी में जल्द ही गंगा जल की यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। उनके द्वारा बताया गया है कि हर घर तक यहाँ पर मोदी सरकार के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा। मनरेश नागरे, नेटवर्क 10 आगरा।